सिलेबस आपका ऐसे लगेगा पहले में कि एमएड के ही लेवल का सिलेबस है, निश्चित रूप से कि अच्छी जगह जहां हम एमएड की बात करते हैं तो उस पर भी हम लोग इस तरह की चीज़ों को चलाते हैं। लेकिन कोर्स वर्क में चीज़ों को पढ़ना और चीज़ों को समझना और उसके साथ साथ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च आइडेंटिफाई करना, ये हमारा काम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि फिर कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं, ऐसे उसमें तो मैंने 5 या 6 टॉपिक डिसाइड किए कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से कुछ टॉपिक उठाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा जो प्रॉब्लम सिलेक्शन का जो तरीका होता है वो कैसा होता है, और जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारा जो सोचने का तरीका है वो तरीका कैसा हो जाता है। और वहां से फिर हम लोग एक पार्ट में पहले डिस्कशन करेंगे, दूसरे पार्ट में फिर कुछ इंटरेक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग, मैं जो बार बार कल भी फोकस कर रहा था कि रोड मैप यदि हमारे ये सब डिसिप्लिन्स हैं तो इनमें कोई रोड मैप प्लान करें हम लोग रिसर्च को लेकर, तो उसकी जो क्लैरिटी है वो क्लैरिटी की तरफ आगे हम लोग बढ़ें। तो पहली चीज जो मैं लेकर आ रहा था वो था प्लानिंग रिसर्च इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। और यदि इसको हम लोग देखें तो हम लोगों को कुछ टॉपिक्स पर बात करनी चाहिए, और पहला जो टॉपिक रिकॉर्ड मेनू है अभी हम लोग थोड़ा सा इसमें, पहला टॉपिक जो मैंने लिया, ये मैंने जानबूझ के जो रिसर्चर हैं उसको हाइड किया है, और दूसरा मैंने हाइड किया है ये कहाँ का वर्क है, जानबूझ के मैंने इंटेंसली किया है। बाद में जब हम एक बार पूरा प्लान आउट करेंगे तो फिर सारी डिटेल और कौन से टूल्स इसमें यूज किए, किस तरह की रिसर्च ये है, क्या फाइंडिंग्स आई, क्या ऑब्जेक्टिव्स आए, मेथोडोलॉजी क्या ली, उसकी हम लोग बात करेंगे। ये इंडिया की रिसर्च है, पहली है ट्राइबल एजुकेशन इन साउथ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप आउट चिल्ड्रन एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स। क्यों ऐसा टॉपिक बना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, इस चीज को हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्यों ये टॉपिक बना सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट को हमें ध्यान में रखना चाहिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हम लोगों ने जब हम पूरी सोसाइटी को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के साथ, तो सोशियोलॉजी की स्टडी के बाद हमने ये चीजें आइडेंटिफाई की हुई हैं कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो डेप्राइव्ड है सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, और बहुत सारे डेप्राइवेशन के जो बेसिस हैं वो हैं। तो डेप्राइवेशन के जितने बेसिस हैं उन बेसिस को ध्यान में रखकर हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की रिसर्च कर सकते हैं। अब यहाँ दो कॉन्टेक्स्ट हमारे आते हैं, एक तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी की एक बेहतर समझ हमारे पास होनी चाहिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोसाइटी। और कल हम लोगों ने ओरिएंटेशन में इस चीज़ की बात करी थी, और मैं भी इस चीज़ को क्लास में इस्टेब्लिश करता हूँ कि दो चीज़ें, हिस्टोरियन और रिसर्चर, दोनों की जो क्वालिटीज हैं वो एक होनी चाहिए, हिस्टोरियन और रिसर्चर। हिस्ट्री भी जितनी साइंटिफिक है रिसर्च भी उतनी साइंटिफिक है, लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो निर्भीकता दोनों के अंदर होनी चाहिए कि जो फाइंडिंग्स हैं
उन फाइंडिंग्स को प्रोड्यूस करना, ये सच में बहुत बड़े जीवट की बात होती है, जो कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी हम एज ए रिसर्चर उतने ऑनेस्ट नहीं हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी स्टडी जो फाइंडिंग्स हैं उनको सपोर्ट करने में लग जाते हैं प्रीवियस स्टडीज से, फाइंडिंग्स ऑफ द प्रीवियस स्टडीज से, तो वहाँ फिर हम कहते हैं कि नहीं, यदि हम इसको डेविएट करेंगे तो कहीं हम पकड़ में ना आए कि ये काम हमने आखिर ऐसा कैसे कर दिया। तो ये है सवाल कि हम अल्टीमेटली जो काम करते हैं वो काम उस तरह का करते हैं कि हमारा जो पर्पज है वो सॉल्व हो जाए, लेकिन वो जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो बॉडी ऑफ द नॉलेज को कितना कंट्रीब्यूट करेंगी इसका हमें कोई परवाह नहीं होती। इसीलिए आज की जो रिसर्च, और वो भी रिसर्च विशेष रूप से जो सोशल साइंसेस हैं, वो जो है पीएचडी डिग्री के लिए तो हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत कम रिसर्च हैं, जैसे हम लोग खुद जिन रिसर्चेस को करते हैं उन रिसर्चेस की जो फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स को क्लासरूम में हम खुद नहीं लेकर जाते, जो फैक्टर्स आए निकल कर और जिन सजेशंस को हम लोगों ने दिया और हमने कहा कि यदि हम ये इंटरवेंशंस कर दें तो इन इंटरवेंशंस के करने से हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, इस तरह का हम नहीं करते। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की तरफ जब हम आते हैं तो दो तरह से जो है वो रिसर्चेस होती हैं। एक वो लोग हैं जो लोग एजुकेशन में आकर सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन को अपना रिसर्च एरिया प्लान करते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सोशियोलॉजी के फील्ड से आते हुए सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की तरफ आते हैं। हमारी जो दिक्कत है स्पेशली अब तो बीएड और एमएड दो दो साल का हुआ लेकिन ड्यूरेशन तो बड़ी, हमने प्रैक्टिस पर तो जोर दे रहे हैं लेकिन उसका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जिस स्तर की होनी चाहिए शायद हम उस स्तर पर अभी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए जब हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में एजुकेशन की तरफ चीज़ों को डिसाइड करते हैं रिसर्च के एरिया में, तो शायद हम आधी अधूरी तैयारी के साथ करते हैं। हमें चीज़ें पता होती हैं लेकिन उस पता होने के साथ ही जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, नेचर ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, एजुकेशन का क्या इंटरवेंशन उसमें होना चाहिए, उसकी जो स्पष्ट समझ हमें होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट पॉपुलर रिसर्चेज हैं वो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स पर होती हैं, मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं। कल प्रोफेसर अग्रवाल साहब ने एक पूरा जो जीस्ट है वो आप लोगों के सामने रख दिया था और वो पीएचडी के बेसिस पर था, तो उसमें हम लोगों को नहीं कुछ कहना है। कुछ सेंटर्स को इंडिया में छोड़ दिया जाए तो सब क्वांटिटेटिव रिसर्च पर काम कर रहे हैं। वो सेंटर्स यदि डीयू को छोड़ दिया जाए, डीयू क्वालिटेटिव रिसर्च पर बहुत काम किया उसने, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पर बहुत उस डिपार्टमेंट को जाना ही जाता है बेसिकली कि जिसने उसको कॉन्ट्रीब्यूट किया बहुत सारा काम। जाकिर हुसैन सेंटर ऑफ एजुकेशनल स्टडीज जेएनयू ने किया, वो भी उस पर जाना जाता है उस एरिया पर काम करने के लिए। कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को छोड़ दें तो जो राज्य विश्वविद्यालयों की तरफ चीज़ें आती हैं वो राज्य विश्वविद्यालय अधिकांश क्वांटिटेटिव रिसर्च पर फोकस करते हैं, और उसका एक कारण ये है कि उस डिपार्टमेंट्स को जिसने लीड किया शुरुआत के समय में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मेरठ में प्रोफेसर केपी पांडे और प्रोफेसर आरपी भटनागर, प्रोफेसर आर ए शर्मा, इन लोगों ने लीड किया और ये लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में चैंपियन थे अपने समय के। आज के समय में बहुत सारी जगह जितने लोग हैं वो पता चला मेरठ यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, बहुत सारे लोग। तो क्योंकि वो क्वांटिटेटिव रिसर्च पे थे तो उन्होंने उस सेंटर को क्वांटिटेटिव रिसर्च का सेंटर बनाया और वहाँ से जितने लोग निकले वो जहाँ जहाँ पहुँचे उन्होंने फिर वहाँ उस सेंटर को क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक सेंटर बनाया।
प्रोफेसर एचसीएच राठौर हो, चाहे प्रोफेसर रेखा अग्रवाल हो, चाहे प्रोफेसर पीसी शुक्ला हो, तो ये सब मेरठ से निकले और बहुत सारे लोग हैं, ये तो नंबर तो ऐसे ही कहने की बात हो रही है, चाहे प्रोफेसर अग्रवाल हो वो भी वहीं से निकल कर आए। तो फोकस पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव रिसर्च पर रहा। और हमारी फील्ड की ये दिक्कत हुई है कि हमने रिसर्च को इन टोटेलिटी समझने की कोशिश नहीं करी, बल्कि जिस एरिया से हम निकल कर आए उस पर हमने ज्यादा फोकस किया और उसी पर बात करते रह गए। तो जो दूसरे एरिया हैं स्पेशली क्वालिटेटिव रिसर्च के या हिस्टोरिकल रिसर्च के, वो छूटते चले गए कहीं पीछे। जबकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च होती है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर, और उस थीसिस को मैंने पूरा देखा भी, पूरी थीसिस हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को डिवोटेड है, और जिसने की रिसर्चर ने वो एमए हिस्ट्री जेएनयू से, जेआरएफ हिस्ट्री, एमएड सीआई दिल्ली से जेआरएफ एजुकेशन में, और फिर एक बड़े प्रोफेसर के साथ उन्होंने रिसर्च की। और जैसा प्रोफेसर अग्रवाल साहब बता रहे थे कि उस समय रिव्यू करने का जो तरीका था, वो पता चला कि या तो खुदा बख्श लाइब्रेरी लोग जाते थे 15 दिन के लिए, पटना जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में आज भी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के नाम सामने दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, जिसमें कोई भी लाइब्रेरी कार्ड बनवाकर पढ़ सकता है। पता चला जेएनयू के स्टूडेंट्स रेफरेंस मटेरियल को तलाशने के लिए उस लाइब्रेरी को में बैठने आते थे, पढ़ने आते थे। तो पता ये चला कि उन्होंने तो रिसर्च कर डाली, उन्हें अपने रिसर्च के बारे में पता नहीं है। मैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पर बात जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ स्टार्ट, क्योंकि इस तरीके से बात कर दी जाती है कि दम नहीं है इस बात में। दम तो रिसर्चर और सुपरवाइजर में होता है, वो मेथड उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना जिस एरिया ऑफ रिसर्च पर हम जिस डेडिकेशन के साथ काम करना चाहते हैं हम कितने प्रयास कर रहे हैं। वो रिसर्च हुई, वो इंग्लिश में रिसर्च थी, फिर ये हुआ कि इसको हिंदी भाषी जो पाठक हैं उन तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, और उसको पहुंचाने के लिए फिर क्या हुआ कि उसका ट्रांसलेशन किया गया हिंदी में, और हिंदी में ट्रांसलेशन वो चैप्टर वाइज किया गया, और हिंदी के जो मानक जर्नल थे फिर उसमें भेजा गया, और उसका एक चैप्टर का मुझे अभी भी ध्यान है, इंग्लिश में चैप्टर था, कुछ एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको मतलब बताने की कोशिश करूंगा। एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया, जर्नी ऑफ इंडियन टीचर फ्रॉम गुरु टू मास्टर, जर्नी ऑफ इंडियन टीचर फ्रॉम गुरु टू मास्टर। और उसमें बड़े बेहतर तरीके से ये कंक्लूड करने की चीजें की गई कि जो गुरु है इंडियन ट्रेडिशंस में, इंडिजिनियस सिस्टम में, वो क्या है, उससे क्या अपेक्षाएं की जा रही थी, और वो जब मास्टर बना तो एजुकेशन का जो कॉन्टेक्स्ट है या नेचर है उस नेचर में किस तरह के परिवर्तन आए। जर्नी ऑफ इंडियन टीचर फ्रॉम गुरु टू मास्टर, और एक लेक्चर भी हम लोगों ने उन्हीं का सुना, तो उन्होंने बाद में एस्टैब्लिश किया गया कि जैसे ही मास्टर बनना शुरू हो गए तो मास्टर का जो काम होता है वो ट्रेनिंग एस्पेक्ट पर ज्यादा होता है, ट्रेनिंग एस्पेक्ट पर, एजुकेशन पर कम होता है। और ट्रेनिंग देने का क्या नजरिया होता है कि जो सर्कस होता है उसको, जो शेर को नचाता है उसको हम मास्टर कहते हैं, मास्टर। जो टेलर है कपड़े सिलता है उसको दर्जी मास्टर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो डिग्रेडेशन है वो डिग्रेडेशन कैसे होता है उसको भी हमें
हिस्टोरिकली देखने की कोशिश करनी चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बदल रहे हैं। उसके बाद आजकल जैसे आप लोग आने वाले लोग हैं, हम लोग अभी जूझ रहे हैं, हम लोग जूझ रहे हैं और नीरज जी जूझ रहे हैं कि हमें पब्लिकेशन हो अच्छे से, साइटेशंस उसके हों, रेफरेड जर्नल में होना चाहिए। अब तो स्कोपस की बात होनी शुरू हो गई है, लेकिन आने वाले दिनों में आप हो सकता है इससे और बड़ी चीजों के लिए अपने आप को तैयार आप लोगों को करना चाहिए। वो ये था कि 2000 के आसपास, 2004 के आसपास कुछ एक यही चीजें आई कि यूजीसी ने हम लोगों से कुछ चीजें मांगी और उसमें ये आया कि भाई आपको साइटेशन इंडेक्स भी देना है। किसी को पता नहीं है, उनको भी पता नहीं है। उन्होंने किसी से पूछा ये क्या होता है, कहते हैं आपको नहीं पता है क्या? बोले नहीं, कुछ कुछ है ध्यान, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हमारे साइटेशंस कितने हैं? हमें तो ये नहीं पता ना भाई, वो थ्योरेटिकल तो पढ़ा है, प्रैक्टिकली अब हमें नहीं पता। आजकल तो इंटरनेट पर गूगल स्कॉलर वगैरह पर, स्कोपस पर आप डालेंगे तो आपके साइटेशन इंडेक्स पता चल जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो आपका देख के बताते हैं। उन्होंने कुछ देखा तो उन्होंने बताया कि आपके जो है उस वाले पेपर के, उस वाली रिसर्च के 3 साइटेशन इंडेक्स है, मतलब 3 जगह वो साइटेड है। फिर उसको खोजा गया तो एक बड़ी अच्छी जर्नल निकलता है जिसमें यूजीसी केयर लिस्टेड तो है ही है, लेकिन एजुकेशन वाले उसको जब टॉपिक के हिसाब से देखते हैं तो जर्नल एजुकेशन का नहीं मानते, जबकि जो फंडामेंटल रिसर्चेस है एजुकेशन की वो उसमें ज्यादा दिख जाती हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पॉपुलरली इसको EPW कहा जाता है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। जो रिसर्च चीजें इसमें अधिकांश ये सप्ताह में आता है, अच्छा खासा मोटा जर्नल आता है, सॉफ्ट कॉपी में भी उपलब्ध होता है, आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो दे देते हैं आपको। तो इन सब्सक्रिप्शन के हिसाब से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जो ये जर्नल है उसमें एक पेपर छपा, और उस पेपर में छपने के बाद ये पता चला कि हमें उस थीसिस के बारे में इंडिया में पता नहीं है, लेकिन ऑक्सफोर्ड से लोग आकर उसको रिव्यू कर इंडिया से वहां जाकर पब्लिश कर रहे हैं। रिसर्चर को पता नहीं है। उसके बाद और बात आगे बढ़ी और नीरज जी के एक गुरुजी हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, प्रोफेसर हरकेश सिंह। प्रोफेसर हरकेश सिंह जी और प्रोफेसर CPS चौहान जब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नीपा को न्यूपा बनाया गया MPhil और PhD प्रोग्राम रन करने के लिए, तो वहां से 2 प्रोफेसर्स 3 प्रोफेसर्स को इंडिया से तलाशा, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर CPS चौहान और प्रोफेसर हरकेश सिंह। इन तीनों को कि भाई आओ, अभी तक हम रिसर्च करते हैं, हमें क्लासरूम टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, आपको क्लासरूम टीचिंग और रिसर्च दोनों का एक्सपीरियंस है, तो इस सिस्टम को कंट्रीब्यूट करो। तो अलीगढ़ से प्रोफेसर चौहान, बनारस से प्रोफेसर हरकेश सिंह जी और मेहरोत्रा साहब जो है वो वहां गए। उसके बाद एक बार प्रोफेसर हरकेश सिंह साहब गोरखपुर आए, और गोरखपुर आने के बाद उससे पहले मिले, और मिलने के बाद जैसे ही वो दिखाई दिए तो उनसे बोले अरे यार तुमने अपनी किताब के वो PhD के बारे में देखा है कुछ? बोले सर नहीं कुछ नहीं। अरे यार तुम्हारी क्या रिसर्च है, क्या रिसर्च है आपकी? अब वो रिसर्चर को पता ही नहीं है क्या रिसर्च है हमारी। कह रहे सब्यसाची भट्टाचार्य ने एक किताब लिखी है
2011 में एजुकेटिंग द नेशन, और कह रहे एजुकेशन इन एजुकेटिंग द नेशन में उन्होंने 20 जगह तुम्हारी रिसर्च को कोट किया है। देखिए रिसर्च ऐसे बनती है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिसर्च है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिसर्च है, और उस रिसर्च को कहाँ से देख रहे हैं, उस रिसर्च को ऑक्सफोर्ड वाला रिव्यू करके ले जा रहा है, हमें पता नहीं है। उस रिसर्च को जब दूसरा एक स्थापित आदमी एजुकेटिंग द नेशन एजेंडा डेवलप कर रहा है नेशन के सामने, तो वो उस रिसर्च को कोट कर रहा है, लेकिन पता चला हमें नहीं पता है, हमारी अनभिज्ञता है। क्यों है? सवाल फिर वही आता है, क्यों है? क्योंकि शायद उस तरह के फील्ड को हम लोगों ने, विशेष रूप से जो राज्य विश्वविद्यालय हैं, उनको एनकरेज ही नहीं किया। और सोचा क्या ये भी रिसर्च होती है क्या? जैसे मैं आपको एक मोटे तौर पर बात बताऊं, और आगे भी आपको ये तय करना पड़ेगा, मेरी बहुत सारे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च वाले लोग हैं उनसे बात हुई, और वो बात ये हुई कि क्या कौन सी चीज कब आर्टिकल होगी और कौन सी चीज कब रिसर्च पेपर होगी। ये ठीक वही अंतर है, एक कहानी कब इतिहास बन जाती है, एक कहानी यदि फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस के साथ, यदि सपोर्टिव एविडेंसेस के साथ नहीं है तो वो कहानी हो सकती है, लेकिन यदि एविडेंसेस आ जाती हैं तो वो हिस्ट्री बन जाती है, इतिहास बन जाती है। ठीक उसी का हाल आर्टिकल और रिसर्च पेपर के साथ है, कि आर्टिकल यदि प्रीवियस स्टडीज या इंटरनल क्रिटिसिज्म या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म या प्रॉपरली कॉन्क्लूजन यदि डेराइव नहीं किया गया है तो वो आर्टिकल रहेगा, लेकिन यदि रिसर्च के स्टेप्स पूरे फॉलो कर लिए तो विदाउट डेटा भी, विदाउट क्वांटिटी भी वो रिसर्च पेपर बन सकता है। लेकिन हम सोचते हैं अरे इसमें तो टी टेस्ट लगाया नहीं, जब टी टेस्ट नहीं लगाया तो ये रिसर्च कैसे हो सकती है, और इससे निकला हुआ रिसर्च पेपर कैसे हो सकता है। तो फिर आगे सवाल आता है, तो फिर हिंदी की रिसर्च फिर रिसर्च कैसे हो जाएंगी, वहाँ तो कोई टी टेस्ट नहीं लगता, संस्कृत के साथ क्या होगा, हिस्ट्री के साथ क्या होगा, वहाँ तो क्वांटिटेटिव मेथड्स है ही नहीं, या है वहाँ क्वांटिटेटिव मेथड्स, वहाँ तो नहीं है, लेकिन हमारे ही विश्वविद्यालय उनको भी पीएचडी की डिग्री देते हैं, डीलिट भी देते हैं। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ सोशल रिलेशनशिप्स या सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो उनको हम सपोर्ट करते हैं आंकड़ों की वजह से। शर्त क्या होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो, शर्त है कि जिस उद्देश्य के लिए हम शोध कर रहे हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए, मेथोडोलॉजी कुछ भी हो सकती है। इसलिए आज जो ट्रेंड चल रहा है वो क्वालिटेटिव और मिक्स मैथड की तरफ जाता चला जा रहा है, क्योंकि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। हमने आपके पास गए रिसर्च टूल लेकर कि मैडम आप देखिए इस कोर्स वर्क से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, और हमने हाँ या ना में रेटिंग स्केल पे ले आए तो भी फिर थोड़ी सी बात है, और नहीं तो हमने हाँ और ना में कर लिया। तो जो डेटा कलेक्शन के लिए जो जा रहा है, आप क्या हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं पहले से, अरे ठीक है सेटिस्फाइड तो नहीं है, लेकिन पता चला हमारा देखेंगे कि हम जो है ये श्रीवास्तव में पहचान तो लिए ही जाएंगे, और ये कोर्स वर्क के बारे में ऐसे कह रहे हैं, और पता चला मुनेश सर इसको देखेंगे तो कहेंगे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो क्या इससे, कोर्स वर्क से। तो ये जो सोचने का तरीका है हमारे यहाँ, मैंने कहा ना निर्भीकता रिसर्चर के साथ साथ जो अंडर इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है उसके अंदर भी होनी चाहिए, कि जो वो फील करता है वो फील उसका होना चाहिए। जैसे अभी हमारे एक विद्यार्थी ने पीएचडी करी, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जो है टीचर एजुकेटर्स से डेटा लेना होता है, रख जाओ यार फिर आ जाना, और वो रख ही जाता है फिर कभी नहीं आता है। इवन ये तक कह दिया, कहने की कोशिश की जाती है कि अरे आप भर लेना हम साइन कर देते हैं। अब जब इस तरह से चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी तो फिर उसकी जो फाइंडिंग्स आई भी तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए क्या किया गया,
कि क्वांटिटेटिव मेथड्स के साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड्स को इंटीग्रेट करने की बात की गई, जिसको अब मिक्स मेथड या ट्रायंगुलेशन पर बात हो रही है, कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो पेपर पर तो जो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है लेकिन उसके पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग होंगे और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन अलग होंगे। जैसे आप सोच के देखिए कि आप ग्रुप में हैं, कोर्स वर्क में हमने दो सिचुएशन पैदा करी। पहली सिचुएशन पैदा करी, भाई ठीक है ऐसा करो, आप जो है एक टूर प्लान करते हैं, आप एक दिन बिठूर घूमाओ। और आपने कहा आप भी चलेंगे क्या? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चलूंगा। सोचने का तरीका बदल गया, हमारा जो व्यवहार है वो बदल गया। दूसरी कंडीशन कि हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, व्यवहार बदल गया, कंट्रोल्ड हो गया। और तीसरी चीज हो सकती है कि हमने ना हम गए लेकिन किसी और को भेज दिया जिसको आपको पता नहीं है कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। कंडीशंस बदल गई ऑब्जर्वेशन की। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो क्वांटिटेटिव डेटा है वो क्वांटिटेटिव डेटा क्वालिटेटिवली क्या कह रहा है उस पर भी हम लोग इधर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से मैं चलता हूँ इसकी तरफ कि ये हमारे कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट में हमने ट्राइबल एजुकेशन इन साउथ इंडिया, प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉप आउट चिल्ड्रन, उस स्पेसिफिक सोशल ग्रुप की जो ड्रॉप आउट है उसकी प्रॉब्लम्स क्या है आखिर, एंड पर्सपेक्टिव्स। दूसरा हम लोगों ने उठाया क्रिटिकल स्टडी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन द महाराष्ट्र स्टेट ड्यूरिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब ये हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दोनों की तरफ निकालते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसी को हम यदि मुस्लिम माइनॉरिटी बॉयज और गर्ल्स के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, उनके सोशल बिलीफ्स और मिथ के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, तो वो फिर से स्टडी हमारी सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की तरफ आ जाती है। ये दो चीजें हमारी तरफ से हुई। अब हमारे जो सोशल कॉन्टेक्स्ट हैं वो क्या बनते हैं, वो हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट जो बन रहे हैं, जिन चीज को मैं डेप्राइवेशंस की बात कर रहा था, वो हमारा लोकेशन लोकेलिटी बन सकती है, रूरल और अर्बन। दूसरी जो स्टडी बन सकती है वो हमारी कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में बन सकती है। तीसरी जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में बन सकती है। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो जेंडर पर हो सकता है हम लोगों के बारे में ये सोचने की बात हो कि नहीं साहब अब लड़के और लड़कियों का जो भेद है वो खत्म हो गया है, लेकिन क्या वास्तव में खत्म हुआ ये तो तब पता चलेगा जब हम लड़के और लड़कियों के वैल्यू सिस्टम को इन डेप्थ स्टडी करें। वैल्यू सिस्टम को क्या है, जेंडर सेक्स जो है वो मेल और फीमेल होना है, लेकिन जो जेंडर की फीलिंग बनती है वो बनती है जेंडर रोल्स से। सोसाइटी हमें किन भूमिकाओं को देती है उससे बनती है। अब जैसे आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आपको अपने बचपन की याद या बाद की याद हो, कोई लड़की भारतीय समाज में यदि थोड़ा सा चले जैसी उम्मीद करते हैं कि लड़कों की तरह चलती है, तो पता चला उसकी दादी क्या कहेगी, ए लड़की तमीज से चलाकर, लड़कियों की तरह चलाकर क्या लड़कों की तरह चलती है। उसका जो वैल्यू सिस्टम है वो चेंज होना शुरू हो गया। और नेचुरली क्या है, नेचुरली दोनों इक्वल हैं। यदि उनकी एक जैसी ब्रिंगिंग हो, एक जैसा वैल्यू सिस्टम हो, एक जैसा एनवायरमेंट हो, तो केवल एक जींस का अंतर है जो मेल और फीमेल उन्हें बनाता है, बाकी कोई अंतर।
प्राइमेटिव जो हिस्ट्री है वो हमें बताती है, जब एक जैसा खान पान था, सब कुछ था, तो स्त्री और पुरुष की जो शक्तियाँ थी वो एक जैसी थी। एग्रीकल्चर का जो डेवलपमेंट हुआ उससे डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, पहली बार आदमी के पैर रुके, अगर वो तो जंगल जंगल भटक रहा था, पहली बार उसके कदम रुके, और कदम रुकने के बाद उसने पहली बार उसकी जो ये जो थोड़े बहुत कंदमूल फल खा के डाले ना, गुठलियों से जब चीजें निकली तो उसको यूरेका फीलिंग हुई, अरे तो वो पहली प्राइवेट प्रॉपर्टी बनी और उसने उसकी रखवाली वहीं इकट्ठा होके करी। बाद में जब चीजें हुई तो उसके जीवन में स्थायित्व आया, और उसके बाद उसने क्या किया कि डिवीजन ऑफ लेबर करी कि घर के काम स्त्रियों के हिस्से आए और बाहर के काम स्त्रियों के हिस्से आए। शारीरिक श्रम पुरुषों के हिस्से आ गया, ज्यादा शारीरिक श्रम, और जिसमें कम श्रम की जरूरत थी, श्रम मतलब ताकत के हिसाब से, वो स्त्रियों के उसमें आए। दोनों के एपिटाइट में चेंज आ गया, दोनों की शारीरिक क्षमता में चेंज आ गया, दोनों की जो मसल्स है उसमें चेंज आ गया। तो इस वैल्यू सिस्टम को यदि हम स्टडी करना चाहें कि किसी भी कास्ट के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भी सोशल ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में, तो लड़की और लड़कों का जो वैल्यू सिस्टम है, उस वैल्यू सिस्टम को स्टडी करकर इनइक्वालिटीज और उसके क्या कारण है और उसका एजुकेशनल इंटरवेंशन क्या हो सकता है यदि देखें, तो बड़े मजेदार रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इस तरह की चीजों का पर काम करने के बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? कि हो सकता है हमारे पास बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएं इस तरह की ऊपर रिसर्च करेंगे तो। जैसे कास्ट पर हम कहां रिसर्च करने को तैयार हैं अभी, जेंडर पर हम उस तरह की रिसर्च कहां करने को तैयार हैं? तैयार नहीं है। तो ये दूसरी जो चीज है वो इस तरीके से है जो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था। इस बात से एग्री करते हैं ना, जेंडर रोल से, स्त्री और पुरुष की जो शारीरिक पहचान है वो तो एक जीन से बन रही है ना, लेकिन अंतर कितने आ रहे हैं? बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो नेचुरली वो अंतर नहीं आए, एनवायरमेंट ने अंतर दिए हैं। जैसे मैं फिर से एक और उदाहरण आप लोगों को दूं जिससे कि और आपको क्लियर, सारे मैं बहुत सामान्य सी बात कर रहा हूं जो आपको सब पता है, लेकिन बस सोचते नहीं है आप उस तरफ, क्योंकि आप सोचते हैं बड़ी बड़ी चीजों पर सोचें, छोटी चीज सोचने का काम तो कुछ लोगों का है, इसी वजह से दिक्कत है। जैसे जेंडर रोल्स पे मैंने कहा, नेचुरली आप देखिए दुनिया के किसी भी बच्चे को और किसी भी स्त्री पुरुष को, किसी के भी बच्चे को देखिए, बस वो ह्यूमन बींग का होना चाहिए, अक्रॉस द रिलीजन, अक्रॉस द रीजन, अक्रॉस द कास्ट, माँ के पेट में रहने का समय हम लोगों का एक है, ऐसा तो नहीं है कि पुरुष 4 महीने ज्यादा रहते हो, नहीं है ना, और ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स हैं वो ज्यादा रहते हो, सब अंग्रेज का बच्चा भी 9 महीने ही लेता है, हम भी 9 महीने लेते हैं, और पहले 5 साल का यदि डेवलपमेंट आप देखो तो वो डेवलपमेंट सबका एक जैसा है, जिसको खाना भी नहीं मिल रहा है क्योंकि माँ पर बहुत सारा डिपेंड करते हैं, और माँ के शरीर से उतना निकल आ रहा है कि पहले 5 साल तक उसका जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट एक जैसा दिखाई देता है। जितनी इनइक्वालिटीज आती हैं किसी भी तरह की, वो 5 साल के बाद दिखती हैं। इसका मतलब क्या, हेरिडिटी की प्रॉब्लम थोड़ी है, प्रॉब्लम है एनवायरमेंट की। तो इन एनवायरमेंटल जो कॉन्स्टेंट्स हैं, जिनको हम सोशल कॉन्स्टेंट्स कहते हैं, इन सोशल कॉन्स्टेंट्स को स्टडी करना और इनका सॉल्यूशन देना भी हमारा काम है। और जो लोग इसको बिलीव नहीं करते उनको मानसिक रूप से तैयार करना कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा है ही नहीं, लड़के और लड़कियां पूरे रूप से समान होते हैं, हर एक सोशल ग्रुप समान होते हैं, हर एक रिलीजियस ग्रुप समान होते हैं, वहां कुछ नहीं है, ये तो सोसाइटी है जिस सोसाइटी ने हमें इतने ज्यादा डिफरेंसेस दे डाले। तो इसलिए कोई कलेक्टर बन रहा है और यदि कोई बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा तो उसमें उसकी हेरिडिटी का दोष नहीं है, बल्कि एनवायरमेंट में सोसाइटी भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं, उसकी वजह से वो सारे जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस आते हैं। अब ये मैं दूसरी तरफ जा रहा हूं, अब
अभी तक देखिए हमारे जो कॉन्टेक्स्ट थे वो किस तरह के थे, कि हम बहुत छोटे से एस्पेक्ट को देख रहे हैं, ड्रॉप आउट को देख रहे हैं। ड्रॉप आउट तो क्लियर एविडेंट है भाई, बच्चे छोड़ दे रहे हैं पढ़ाई, ये तो स्टैटिस्टिक्स में क्लियर है, सरकार ने ही सारी स्टैटिस्टिक्स जारी कर रखा है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो गर्ल्स का क्या है, बॉयज का क्या है, शेड्यूल कास्ट का क्या है, बैकवर्ड क्लासेस का क्या है, माइनॉरिटीज का क्या है, सिख का क्या है, उसमें भी मुस्लिम माइनॉरिटी का क्या है, सारा डेटा आप यूजीसी की एनुअल रिपोर्ट उठाइए, सारा डेटा आपको हायर एजुकेशन का उससे मिल जाएगा। क्या इस डेटा को कंपाइलेशन करना ही रिसर्च हो सकती है? डेटा को कंपाइलेशन करना रिसर्च नहीं हो सकती, लेकिन इस डेटा का ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न क्या है उन सोशल ग्रुप्स में, उसको स्टडी करना, सोशल पैटर्न और इंडिविजुअल पैटर्न, फैमिली वैल्यूज को स्टडी करना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम उस तरह के काम नहीं कर रहे हैं, हम काम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली डेटा को उठा रहे हैं, उसको कंपाइलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सरफेशियल लेवल पर वो जो फैक्टर्स हैं बैकवर्डनेस के, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम लोग काम कर रहे हैं। ये स्टडी जरा देखिए, नजर डालिए इस पर। प्लानिंग फॉर कॉलेज एंड कैरियर्स, ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है हाउ फैमिलीज एंड स्कूल्स शेप द अलाइनमेंट ऑफ पोस्ट सेकेंडरी एक्सपेक्टेशंस। सोशल कॉन्टेक्स्ट भी बदल गए, हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, इनके सोशल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, लेकिन दो चीजें आ रही है, प्लानिंग फॉर कॉलेज एंड कैरियर्स, और उसके बाद तीसरी चीज आ रही है इंटरवेंशन के रूप में, हाउ फैमिलीज एंड स्कूल्स, परिवार और विद्यालय किस तरह से शेप देता है कि हमें कहां जाना चाहिए और क्या करना चाहिए। हमारे स्कूल और हमारी फैमिलीज का हाल तो अभी भी जो फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं, अभी भी बहुत सारे नंबर है उनके सामने चैलेंजेस हैं। जैसे मैं क्लास में कभी भी बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आप बहुत सारे टीचर्स हैं, तो फिर एक जनरल डिस्कशन थोड़ा सा छोड़ता हूँ आपके सामने। है जी, बोर तो नहीं हुए ना? ठीक, हाँ मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रोक लेंगे, परेशान मत होना। मैं एक चीज़ें डिस्कस करता हूँ अक्सर, आप में से भी, आपके साथ भी बहुत सारी इस तरह की दुर्घटनाएं हुई होंगी, लेकिन आपके बड़े भाइयों के साथ हो सकता है हुई हो। जब पहली बार प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स नाम लिखाने लेकर गए, तो टीचर ने पूछा क्या नाम लिखूं? आप जो टीचर होंगे प्राइमरी में वो आज भी आपको बताएंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी या मास्टर साहब, जो भी उसको पुकारे, हम तो इसको कलुआ कहते हैं। मास्टर साहब ने लिख दिया काली चना। अच्छा, पैदा कब हुआ था? ये इस लड़के से पहले का है। अब पहले का कितना है? पहले का तो कुछ नहीं है। तो गुरुजी ने फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी बना दी, सब हो गया। मैं यहां लेकर आ रहा था कि यहां हम स्टडी कर रहे हैं कि कॉलेज और कैरियर्स को फैमिली कैसे शेप देती है। हम यहां स्टडी कर रहे हैं इस चीज को, और हमारी फैमिलीज का स्टेटस क्या है कि वो नाम को और उसके जन्म को शेप नहीं दे पा रहे हैं, तो कॉलेज और कैरियर को कैसे शेप देंगे, ये चैलेंजेज है। लेकिन हमारे यहां इस तरह की स्टडीज होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ डेप्राइवेशंस बहुत, उसकी जो लेवल है वो एक्सट्रीम एंड पर है। तो एक्सट्रीम एंड पर यदि डेप्राइवेशन है, तो हमें तो और ज्यादा एजुकेशनल इंटरवेंशंस की जरूरत है या स्कूल की जरूरत है। तो पहला कि हमारे यहाँ इस तरह की स्टडीज होना बहुत आवश्यक है।
स्कूल टीचर्स पर भी आवश्यक है। बड़े मजे के नाम है, नाम क्लासरूम में पूछो, बड़े मजे के आते हैं ये। एक बार मेरे यहाँ इन्वर्टर ठीक करने वाला आया, उसने कहा, मैंने कहा भाई क्या नाम है तुम्हारा, मैंने पलटू राम। मैंने पलटू राम कैसे हो गया, कह रहे वो थोड़े दिन पहले दादाजी की डेथ हुई थी तो मेरा नाम जो है पलटू राम, कि दादाजी पलट कर आ गए पलटू राम, है ना। अब आप देखो कि इसको, इसकी जो सोशियोलॉजी ऑफ नेम है उसको भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, सोशियोलॉजी ऑफ नेम। नाम में दम होता है या नहीं होता, वो होता है। तो नाम यदि आपको, जैसे इसकी स्टडी हो जाए, बड़ी मजेदार स्टडी हो सकती है ना, सोशियोलॉजी ऑफ नेम एंड दियर एजुकेशनल अचीवमेंट्स वगैरह कुछ ऐसा करके प्लान कर सकते हैं, और फिर हम लोग देख सकते हैं चीजों को कि कैसे कैसे नाम से क्या चीजें प्रभावित होती है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, सोशल कैपिटल एंड स्टूडेंट अचीवमेंट। सोशल कैपिटल एंड स्टूडेंट अचीवमेंट एंड इंटरवेंशन बेस्ड टेस्ट ऑफ थ्योरी। अभी इसको ढूंढने में हम लोगों को यूज टू होने में टाइम लगता है। सोशल कैपिटल, नाम सुना है हम लोगों ने सोशल कैपिटल का, व्हाट इज सोशल कैपिटल, जनरल बात है हाँ या ना, कोई उसमें कोई वैसी बात नहीं है। मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लानिंग फॉर रिसर्च इन सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन करनी हो तो किस तरह की चीजें हमें देखनी होंगी। सोशल कैपिटल का नाम सुना है नहीं सुना ये बताओ पहले, सुना है? नहीं नहीं, सामाजिक पूंजी क्या होती है ये देखा है कभी, मतलब आइडिया नहीं, खाली अनुमान नहीं लगाओ, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में बात करो, कॉन्सेप्चुअली देखने की कोशिश की है कभी सोशल कैपिटल क्या है? नहीं ना, है जी? एक चीज वो सोशल कैपिटल है, और भी सोशल कैपिटल होती है। जो पर्टिकुलर सोशल ग्रुप्स होते हैं वो सोशल ग्रुप्स की एक जो हिस्ट्री होती है, वो हिस्ट्री जितनी गौरवशाली होगी वो उसकी उतनी ही बड़ी सोशल कैपिटल बनेगी, सोशल कैपिटल बनेगी। वो क्लास के बाद अभी डिस्कस करूंगा लास्ट में। सोशल कैपिटल एंड स्टूडेंट्स अचीवमेंट वो रिलेशनशिप है या नहीं है इसको देखना पड़ेगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ऐसी रिसर्चेस नहीं होती हैं। मैं अभी उदाहरण सुनाऊंगा आप लोगों को, बहुत सारे उदाहरण देता हूं। सोच के देखो कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को यदि स्टडी करो तो हमारा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, और जो सोशल स्ट्रेटा है वो सोशल स्ट्रेटा के एजुकेशनल अचीवमेंट्स क्या हैं यदि आप देखोगे तो आप लोगों को मिलेगा कि जैसी सोसाइटी के सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस हैं उसी तरह के उनके एजुकेशनल अचीवमेंट्स भी हैं, उसी तरह के हैं। इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे, पूरी सोसाइटी को स्टडी करेंगे तब। तो उसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सोशल कैपिटल affects educational achievement of an individual. गांव से आए, गांव का एक विद्यार्थी है, और वो गांव का विद्यार्थी पढ़ लिख सोच रहा है कि तैयार होके स्कूल चलें, और पिताजी ने कहा ऐसा करो 6-7 दिन बहुत ज्यादा काम है,
6-7 दिन की छुट्टी कर लो, चलो मिलके खेत में पहले काम करते हैं, उसके बाद स्कूल चले जाना। लड़के ने फिर से कहा, नहीं नहीं हमें स्कूल जाना है। बराबर में दादी बैठी थी जो अपने बेटे को काम करते हुए देख देख के परेशान होती थी, और दादी ने कहा, तू 2 दिन में स्कूल जाके ना नवाब बन जाएगा। चेंज हो गया परसेप्शन लड़के का, बाप का भी। दूसरी तरफ बी ग्रुप है, उसने कहा कि पिताजी आप अकेले खेती में काम करते रहते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 4 दिन की छुट्टी ले लूं और आपके साथ काम करवाता हूं। पिताजी ने कहा, किताब उठा चुपचाप स्कूल जा, काम तो जैसे होगा हो जाएगा, तेरी पढ़ाई महत्वपूर्ण है, उस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप की सोशल कैपिटल है, और ये सोशल कैपिटल इस एटीट्यूड मात्र से ही अचीवमेंट को प्रभावित करती है। करेगी ना, सोच के देखो करेगी ना। लेकिन क्या हमने ऐसी स्टडीज कभी की है? ऐसी स्टडीज हम लोगों ने नहीं की, लेकिन यदि स्टडीज को करें तो रिजल्ट बड़े, भारत के उसमें रिजल्ट बड़े चमत्कारी आएंगे, क्योंकि चेंज हुए हैं, रेवोल्यूशन हुई है। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिनिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स जेंडर्ड बिलीफ्स एंड अबाउट मैथ। एग्जामिनिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स जेंडर्ड बिलीफ्स अबाउट मैथ प्रेडिक्टर्स एंड इम्प्लीकेशंस। मैंने तो नहीं कहा, आपको ये किसने सिखाया? ये ज्ञान आपको कहां से मिला? मेरे दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट भी नहीं था कि मैं क्लास में कुछ ऐसा डिस्कस करूंगा, लेकिन रजनी ने हमारी बात को दूसरी तरफ ले जाकर डाल दी। ये क्या है? सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हमारा परसेप्शन है, सोचने का तरीका है। तब भाई बताओ फिर कैसे रिसर्च हो ऐसे सोचने का तरीका है? तो फिर तो किरण बेदी को मैं मतलब रजनी को लेकर नहीं है, ये सोच है जो हम भारतीय परिवेश में सोचते हैं। रजनी है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो रजनी का मतलब रजनी नहीं है, यहाँ सोसाइटी है, रजनी का मतलब सोसाइटी है। तो हमने टॉपिक डिसाइड किया, जी जी प्लीज। हाँ जी ठीक है, मेरे ख्याल से इसको बंद कर लीजिए, हम लोग डिस्कस।